सब्सक्राइब करें आईक्यू डेवलपर चैनल को और बेल को आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो क्या हुआ अगर महंगे खिलौनों के लिए जेब में पैसे नहीं, वक्त देता हूं मेरे बच्चों को जो अमीरों को मवसर नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट ने रिसेंटली 200 रुपीज़ का नोट मार्केट में लॉन्च कर दिया है। क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, क्या इसके लॉजिक है और क्या फार्मूले होते हैं जो नोटों के डिफरेंट डिनोमिनेशन को यूज़ किया जाता है और कैसे उनको किया जाता है, आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है सत्यम तिवारी और देख रहे हैं आप यूट्यूब चैनल आईक्यू डेवलपर, जहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें। दोस्तों, अगर हम बात करें इस पूरे क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके पहले हम जान लें कि एप्पल, अगर हम बात करते हैं एप्पल के मैकबुक के बारे में, तो चार साइज एप्पल मैकबुक अपने लेके आता है। 13.3 इंच का है, 15.4 इंच का है और 21.5 इंच और 27 इंच का है। लेकिन आप ध्यान देखें, इन चार साइजों से ही जो मोस्ट ऑफ द कस्टमर है उनको वो सेटिस्फाइड कर लेता है। उसी तरह हम नोटों में बात करते हैं, तो अभी हमारे पास 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10, 20, 50, 100, 200 और 2000 का नोट है, जिससे हम अपनी मोस्ट ऑफ़ दी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट आता है फ्रेंच के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इंजीनियर चार्ल्स रेनॉल्ड। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट किया जिसका कॉन्सेप्ट का नाम था प्रेफर्ड नंबर कॉन्सेप्ट। जी हाँ, इसे प्रेफर्ड नंबर कॉन्सेप्ट कहते हैं। उनमें एक सेट ऑफ द नंबर थे जो अगला नंबर एक दूसरे पिछले नंबर से एक सेट ऑफ डिस्टेंस पे काम करता था। इस कॉन्सेप्ट को आगे हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के क्या फ़ायदे हुए। पहला फ़ायदा था स्टैंडर्डाइजेशन का, जैसे सारी स्टैंडर्डाइजेशन हो गया कि इसी सीरीज़ में हमको अपने पार्ट्स बनाने हैं, कंप्यूटर बनाने हैं, लैपटॉप बनाने हैं या नोटों के डिनोमिनेशन करने हैं। दूसरा जो फ़ायदा हुआ है कि लेस नंबर के हम प्रोडक्ट यूज़ करते थे, लेस नंबर की साइजेज एप्पल यूज की, चार ही साइजेज यूज की और मोस्ट ऑफ दिस ने कंज्यूमर को उसने सेटिस्फाइड कर दिया। देखिए, लेस नंबर बट कवर एक वाइड रेंज को उसने कवर किया। इसको 1 to 5 सीरीज भी कहा जाता है नोटों के डिनोमिनेशन में। अगर बात करें सिंपली संपदों में, हम समझते हैं कि अगर कोई एक दुकानदार है और उसके पास चार वेट है, 100 किलो के, 200 ग्राम के, 200 ग्राम के, 500 ग्राम के और 1 kg के वेट है। इन तीन वेटों की मदद से, जो तीन वेट हैं 100, 200, 500, इनकी मदद से वो मोस्ट ऑफ द 100 मल्टीपल की जो भी वेट होंगे उनको वो तौल सकता है। मान लीजिए 300 तोलना है, 100 + 200 को तौल सकता है, 400 को तोलना है, 200 को तौल सकता है, फिर 500 तो है ही उसके पास, 600 है, 500 + 600 कर सकता है, 700 5 + 2 कर सकता है, 800 को करना है तो 5 2 + 1 कर सकता है, 9 को करना है तो 2 + 2 + 5, तो मैक्सिमम 3 वेट उसको यूज़ करने पड़ेंगे और वो अपने 100 के मल्टीपल में उनको वेटों को तौल लेगा। तो ये इसका एक फ़ायदा होता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं इंडियन करेंसी के बारे में, तो क्यों 200 रुपये का नोट लाना पड़े और 2000 नोट का क्या फ्यूचर है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो 200 नोट का लाने का जो कॉन्सेप्ट था इंडियन गवर्नमेंट का, वो आप देखिए, अगर 1 और 2 रुपीज़ की बात करते हैं तो 2 गुने का डिफरेंस है। ये रेनॉल्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि जो अगली डिजिट होगी वो अपनी पिछली डिजिट से या तो 2 गुनी होगी या 2.5 गुनी का डिफरेंस होगा, उससे ज़्यादा का डिफरेंस लॉजिकल नहीं है। अब यहाँ पर हम देखें तो 1 और 2 रुपये में 2 गुने का डिफरेंस है, 2 और 5 में 2.5 गुने का डिफरेंस है, 5 और 10 में 2 गुने का, 10 और 20 में 2 गुने का डिफरेंस है, 20 और 50 में 2.5 गुने का, 50 और 100 में 2 गुने का डिफरेंस है, और 100 के बाद 500 नोट आता था 200 नोट के अर्लियर, तो वो रेशियो जो होता था 1:5 का होता, जबकि रेनॉल्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि जो रेशियो होना चाहिए 1:2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगली नोट वो या तो 250 रुपये हो सकती थी या वो 200 रुपये हो सकती थी। तो 200 रुपये लाने का जो लॉजिक था वो रेनॉल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार सही है, एकदम परफेक्ट है। फिर आप बात करते हैं, आपके पास 200 हो गया, फिर 500 हो गया, 500 के पास आपके पास है 2000 की नोट, यानी कि फिर जो हमारा जो रेशियो है 1:4 का हो गया, जो कि रेनॉल्ड कॉन्सेप्ट के साथ फिर बहुत ज़्यादा है। और जो हमारा लॉजिक का था, उस लॉजिक के हिसाब से जो अगली नोट आनी चाहिए रेनॉल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार, वो 1000 की नोट होनी चाहिए, हमें जो ज़रूरत है 1000, फिर 2000 की होनी चाहिए। तो अगर देखते हैं, अगर 1000 की नोट गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट पूरा होता है। अगर 1000 की गवर्नमेंट नोट नहीं लॉन्च करती तो उसको 2000 की नोट विड्रॉ करनी चाहिए रेनॉल्ड कॉन्सेप्ट के अंदर। इससे हम देख सकते हैं कि 2000 नोट का क्या फ्यूचर, 2000 नोट मोस्ट प्रॉब्ली विड्रॉ होनी चाहिए और 1000 की नोट उसकी जगह पर आनी चाहिए। तो आपको कैसा लगा ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा बातें कैसी लगी, आपको पसंद आई है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखें।
लाइक का बटन दबाएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लेकर आया करते हैं। अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें। थैंक यू।